पहले पवन कुमार जायसवाल जी एक्स एम एल ए हम ढाका से, अभी एनडीए गठबंधन से भाजपा के प्रत्याशी हैं जी। पिछले बार हम 5 साल विधायक यहाँ रहे हैं, 2010 से 2015 तक निर्दलीय, और इस क्षेत्र के लोगों ने हमें काम करने का मौका दिया था जी। जीत का अंतर मात्र 1700 था जी, और काम हमने 17 गुना ज्यादा किया था। कोई ऐसा गांव नहीं है इस क्षेत्र का 245 में से जिस गांव में मैंने काम नहीं किया। हमने रेखा जो अभिनेत्री है, राज्यसभा की मेंबर है, सचिन तेंदुलकर तक के फंड को मैं अपने क्षेत्र में लाने का काम किया। 268 करोड़ का काम मैंने 3 साल में किया था, जब हम नीतीश जी की सरकार को समर्थन कर रहे थे। उसके बाद जब माझी जी मुख्यमंत्री बने, फिर भी मैं काम किया, सरकार को समर्थन दिया, काम किया। और अभी के जो विधायक हैं, ये 245 गांव में से अभी भी इनका 147 गांव बाकी है जहां जा नहीं पाए, जहां इनका कोई काम नहीं हुआ है। 3 लाख 5 लाख का काम करके ही नाम कमा रहे हैं। जो मुस्लिम समाज का गांव है वो भी विकास विहीन है, हिंदू तो है ही, तो इनको काम से मतलब नहीं है, इनको पार्टी के टिकट से मतलब है और जाति के वोट पर ही विश्वास करते हैं। इस बार इनका ये भी गुमान यहाँ की जनता तोड़ देगी, न तो जाति का वोट मिलने जा रहा है, न इनको पार्टी के आधार पर वोट मिलेगा, चाहे यादव जी का गांव हो चाहे वो मुस्लिम समाज का गांव हो। ढाका के लोग विकास प्रिय हैं। ढाका में पिछले 5 सालों में हम लोगों ने बेहतर काम करके लोगों को में एक विश्वास जीतने का काम किया था। वोट के समीकरण और गठबंधन के कारण हम लोग चुनाव हार गए थे। इस बार नीतीश जी की, माझी जी और मुकेश सहनी जी के साथ हम लोग का गठबंधन है, एक मजबूत गठबंधन है। और मैंने पिछले साल में जो 5 साल काम किया और नए विधायक जी का जो 5 साल हुआ, लोगों को तुलना करने में कोई दिक्कत अब नहीं हो रहा है कि भाई कंपेरिजन करने में कि किसका काम बेहतर है। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार ढाका की जनता कम से कम 50,000 वोट से विजयी बनाने का काम करेगी। विकास बनाम विनाश की लड़ाई है, और विकास की गाड़ी को फिर से पटरी पर लाने का प्रयास ढाका की जनता करेगी, ऐसा हमें विश्वास है। और आप जब विधानसभा पहुंचेंगे तो उस समय आप क्षेत्र के लिए क्या क्या सोचे? हम जितना दिन विधानसभा में थे, मैं मजबूत और कड़क करता था। 365 दिन में जितने दिन विधानसभा चले, 3 महीना, हर साल में 3 महीना लगभग सत्र चलता है, कोई ऐसा दिन नहीं था जिस दिन हम अपनी बात को नहीं रखते थे, मजबूती से बात रखते थे। ढाका घोड़ासान की समस्या, चंपारण की समस्या, राज की समस्या को एक ऐसा विधायक ढाका में जीता राजद का, जिसने आज तक विधानसभा में कभी बोलने का काम ही नहीं किया, एक शब्द नहीं बोला है। आप पत्रकार हैं, मैं आपको चुनौती दे रहा हूं कि आप YouTube खोल के ढाका के राजद के विधायक का कोई भाषण हमको निकाल के दे दीजिए विधानसभा में किया होगा, और वो नहीं मिलेगा तो मेरा खोल के देखिएगा, 100 भाषण आपको मिलेगा। चलिए, बहुत खुशी की बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी संगठन जिले ढाका का, यहाँ रुकिएगा, ढाका का महामंत्री हूँ, मेरा नाम दिलीप सराफ हुआ। सबके से आप लोग काफी संतुष्ट करके किए गए कार्यों से, चूंकि जब ये निर्दलीय लड़े थे उस समय भी भाजपा के सभी लोग भाई साहब को सपोर्ट किया था, और भाई साहब का जो कार्यकाल हुआ वो भाई साहब ने उस समय भी निर्दलीय से चुनाव जीते और एनडीए गठबंधन के समर्थन किए, और लोगों से राय लेकर लोगों ने इनको कहा भाई साहब आप चुनाव जीते हैं तो आप एनडीए गठबंधन को समर्थन करें, भाजपा को समर्थन करें। तभी भाई साहब ने एनडीए गठबंधन और भाजपा के सरकार को समर्थन दिया, और पुरजोर विकास पूरे ढाका विधानसभा में हुआ। विकास के साथ साथ इन्होंने सामाजिक विकास का भी काम किया। सामाजिक विकास में इन्होंने गरीब लड़कियों की भी शादी, लगभग 400 गरीब कन्याओं का शादी, जिसमें हिंदू मुसलमान सभी जाति वर्ग के गरीब कन्याओं का शादी बड़े धूमधाम से हुआ। उसमें सभी तरह के जो एक आम बाप माँ अपने बेटी को देते हैं वैसी व्यवस्था थी, और सभी सामान के साथ उनका विवाह हुआ। पिछला समय देखेंगे, 1 महीना पहले, जब 2 महीना पहले देश कोरोना पीड़ित, कोरोना में के चपेट में था, उस समय भी पूर्व विधायक हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी अभी हैं पवन जायसवाल जी ने, बिहार भर में ढाका विधानसभा एक ऐसा जगह है जहाँ से इनका काम इतना सराहनीय रहा, माननीय नीतीश जी ने भी इनके काम को प्रशंसा की है। केंद्रीय नेतृत्व अमित शाह जी तक इनका रिपोर्ट बन के गया था। विधायक, पूर्व विधायक है भाजपा के, जो उन्होंने उत्कृष्ट काम COVID-19 में किया है, जैसे हेल्प डेस्क बनाना हो, क्वारंटीन सेंटर पे पैकेट पहुंचाने का काम हो, या पूरे ढाका विधानसभा ही नहीं पूरे जिला भर में इन्होंने सैनिटाइज काम कराने का काम किया, 4400 लोगों के
खाते में भी 500-500 रुपया इन्होंने भेजने का काम किया, जो हमारे यहाँ के मजदूर या जो भी लोग हमारे बाहर फंसे थे उनको, और उनकी रजिस्ट्रेशन की भी व्यवस्था हम लोगों ने लगभग 10,000 से ऊपर लोगों को यहाँ से रजिस्ट्रेशन करा के, जो लोग एंड्रॉयड फोन नहीं चलाते थे, रजिस्ट्रेशन नहीं कराना जानते थे, वैसे लोगों को हम लोगों ने यहाँ से सेवा दिया है। आपके साथ हम लोगों का शुभकामना है जो आप इसी तरह क्षेत्र में कार्य को करते रहें। और आंखों देखी चैनल आंखों देखी।